नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश और आज अपने इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इंटरेस्टिंग खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताने वाला हूं। और भारत में इस साल आप दोनों ही खगोलीय घटना के साक्षी बन सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। जी हाँ, तो हम देखते हैं यहां पर सूर्य ग्रहण क्या होता है, क्यों होता है सूर्य ग्रहण। दोस्तों आपको पता है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब चक्कर लगाते लगाते कई बार ऐसा होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तो इससे ये हो जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, चंद्रमा के कारण रुक जाता है। इस खगोलीय घटना को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो खगोलीय घटना है, ये आप 21 जून 2020 को भारत में देख सकते हैं, आप इसके गवाह बन सकते हैं। अब दोस्तों एक बात ये देखिए, ये चंद्रमा होता है बहुत छोटा, तो ये सूर्य की रोशनी को कैसे रोक लेता है। तो दोस्तों सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी से बहुत दूर होता है। ये इतना दूर होता है कि यदि हम पृथ्वी से आकाश में ऊपर देखते हैं तो हमें सूर्य और चंद्रमा लगभग सेम साइज के दिखाई देते हैं। इसी कारण जो चंद्रमा है वो सूर्य की रोशनी को रोक देता है। तो दोस्तों 21 जून 2020 को आप इस सूर्य ग्रहण का आनंद ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो सूर्य ग्रहण दुनिया के कोने कोने में होता है और हर साल होता है, पर किसी विशेष जगह पर इसके होने के चांस 400 साल में एक बार होते हैं। तो दोस्तों 21 जून को आप जो सूर्य ग्रहण देखेंगे वो सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं होगा, वो होगा वलय वाला सूर्य ग्रहण, यानी कि एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एनुलर क्या होता है या आंशिक या पूर्ण क्या होता है सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों देखिए यहां पर ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी पर दो तरीके की छाया डालता है। ये जो पहली छाया आप देख रहे हैं ये वाली छाया, ये डार्क छाया होती है, काली छाया होती है, इसको बोलते हैं अम्ब्रा, इस छाया को बोलते हैं अम्ब्रा। और दोस्तों ये दो जो छाया है ये थोड़ी काली कम होती है, इसको बोलते हैं पिनम्ब्रा। दो तरीके की छाया होती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप पृथ्वी के इस अम्ब्रा क्षेत्र से सूर्य ग्रहण देखेंगे तो आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण से मतलब ये जो चंद्रमा है ये सूर्य की सतह को पूरी तरह ढक लेगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहां पर पूरी तरह ढक लेगा। और दोस्तों यदि आप यहां से पिनम्ब्रा से सूर्य ग्रहण देखेंगे तो ये जो चंद्रमा है ये पूरी तरह सूर्य की सतह को नहीं ढकेगा, हो सकता है ये आंशिक ढके, इसलिए इसको बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण की, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रिंग ऑफ फायर वाला यानी कि एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा, यानी कि ये वलय वाला सूर्य ग्रहण होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो चंद्रमा होता है ना इसकी जो गति करने की जो कक्षा है ना वो है एलिप्टिकल, यानी कि अंडाकार पथ पे गति करता है। तो ऐसी कई बार स्थिति होती है कि ये पृथ्वी के पास भी होता है और कई बार ये पृथ्वी से दूर भी होता है। तो जब ये पृथ्वी से दूर होता है और तब जो सूर्य ग्रहण होता है उस स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है, ये इसको इस रूप में ढक पाता है जिससे एक वलय के रूप में सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो इसी सूर्य ग्रहण को हम बोलते हैं वलयदार सूर्य ग्रहण, यानी कि एनुलर सोलर इक्लिप्स, आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सूर्य ग्रहण के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी। अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में यानी कि लूनर इक्लिप्स के बारे में भी इंटरेस्टिंग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स कैसे होता है। दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाए कि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए, तो इस कारण से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है, ये खगोलीय घटना कहलाती है चंद्र ग्रहण। दोस्तों जो चंद्रमा है ये लगभग 30 दिन में अपना एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का। तो ये जो खगोलीय घटना है चंद्र ग्रहण ये हर महीने क्यों नहीं होती है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि चंद्रमा का जो इलेप्टिकल पाथ है उस पर थोड़ा सा झुका हुआ, ये टिल्ट है, इस कारण ये वाली घटना हर महीने नहीं हो पाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके से आपने देखा था अम्ब्रा और पिनम्ब्रा के बारे में वो पृथ्वी और चंद्रमा के लिए भी लागू होती है, ये जो पृथ्वी की जो परछाई गिरती है चंद्रमा के ऊपर तो ये डार्क वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, डार्क शेडो, और ये जो पार्ट है जहां पे सूर्य की हल्की सी रोशनी आ पा रही है ये पार्ट कहलाता है पिनम्ब्रा। ये मैं दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप चंद्र ग्रहण जैसी घटना का एंजॉय करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो 5 जून 2020
को आप चंद्र ग्रहण देख सकते हैं दोस्तों, ये भारत में दिखाई देगा। और चंद्र ग्रहण दिखाई देता है आपको हमेशा पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून नाइट को, तो 5 जून पूर्णिमा को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। पर 5 जून को आपको जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा दोस्तों। जब चंद्रमा रोटेशन लगाता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है और वो ठीक यहाँ पर आ जाता है यानी कि अम्बरा वाले पार्ट में आता है, तब वो चंद्र ग्रहण होता है, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और दोस्तों इस समय जो चंद्र ग्रहण होता है उस समय चंद्रमा का कलर बिल्कुल लाल होता है, जैसा सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर होता है वैसा वो रेड होता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि सूर्य से आने वाला प्रकाश विभिन्न रंगों का होता है, कई तरीके के उसमें कलर होते हैं, तो वो जब लाइट अर्थ की सतह से यहां से पास होती है तो इसके पार्टिकल द्वारा सिर्फ रेड लाइट को आगे भेजा जाता है, इसी कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा रेड कलर का दिखाई देता है दोस्तों। जब ये चंद्रमा यहां नहीं होके यहां पर होता है इस जगह पर यानी कि पिनम्बरा वाले पार्ट में होता है, तब दोस्तों ये वाला जो पार्ट है यहां पर हल्की सी रोशनी रहती है और इस समय में चंद्रमा ब्राइट नहीं रहता है, थोड़ा मटमेला हो जाता है। तो आपको 5 जून को यही वाला चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा जब चंद्रमा की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी दोस्तों। जब चंद्रमा ऐसी स्थिति में होता है आधा थोड़ा सा पार्ट अम्बरा का और थोड़ा सा पिनम्बरा का पार्ट रहता है, तब आपको आंशिक चंद्रग्रहण देखने को मिलता है, चंद्रमा का कुछ हिस्सा नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। आप चंद्रग्रहण को एंजॉय कीजिए, रात को देखिए, पर अगर आप अपनी एक रात को सेक्रीफाइस कर पाए तो। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सूर्य ग्रहण अपनी नंगी आंखों से मत देखिए, किसी सर्टिफाइड ग्लास का यूज कीजिए वरना आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए और भी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।